Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is a part of question bank series. So यहाँ पर हम solve करेंगे एक five mark question जो कि SQL के ऊपर based होता है आप सबको पता है कि computer science के paper में आपके पास तीन questions होंगे जो पाँच पाँच number के होंगे So three questions you are going to have फाइव मार्क्स ईच एक होगा आपका फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड एक एस क्यू का एक कंप्यूटर नेटवर्कस पे सो so, मैं सबकी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा दिस इज बेस्ड ऑन एस क्यू एल राइट मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं आई एल बी टेकिंग नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स एंड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ लाइव करना चाहते हो इफ़ यू वॉन्ट टू डू लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मी देन डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है फॉर क्लास ट्वेल्थ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर करूंगी जहां पर मैं लाइव आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में से एस क्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क कराऊंगी क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं सी एस के पेपर में राइट पाइथन इज चेंज बट दी अदर थिंगस आर सेम सो वी विल भी प्रैक्टिसिंग दैट लाइव ऑन अन अकाडमी एंड दट इज एब्सोल्यूटली फ्री आई टेल यू हाउ टू जॉइन दो यू द लिंक इन द टेलीग्राम ग्रुप सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप राइट एंड अभी हम करते हैं ये क्वेश्चन सो so ये क्वेश्चन जनरली दो टेबल्स पे बेस्ड होता है आपको फाइव मार्क्स का आएगा फाइव क्वेरीज आपको लिखनी होंगी या हो सकता है चार क्वेरीज लिखनी हो तीन क्वेरीज वन वन मार्क की हो सकती है और जॉइन वाली क्वेरी दो नंबर की हो सकती है ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए नेम ए नंबर एड्रेस अकाउंट बैंक अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है सो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के देखना पड़ेगा कि डेटा किस बारे में है सो ये बैंक अकाउंट के बारे में है अकाउंट नंबर है अकाउंट का नाम है उसका एड्रेस है और ये ट्रांजेक्शन हैं कि ट्रांजेक्शन नंबर क्या है किस अकाउंट के लिए वो ट्रांजेक्शन हुई है अमाउंट कितना था ट्रांजेक्शन का वेदर इट वॉज विड्रॉ और डिपॉजिट एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है सो so, एस में डेट हमेशा कैसे होती है चार डिजिट्स का ईयर मंथ एंड देन डे एनालाइज कर लो ठीक है समझ आ गया आपको टेबल्स क्या है सो वंस यू अंडरस्टैंड कि टेबल्स क्या है किस लिए हैं अब हम इसके ऊपर क्वेरीज करेंगे जब भी दो टेबल्स दिए जाते हैं नेवर विन एवर यू हैव टू टेबल्स हमेशा देखोगे कि कॉमन फील्ड कौन सा है सो so, यहां पे ए नंबर है यहां पे भी ए नंबर है अकाउंट को ए नंबर आइडेंटिफाई करता है तो ये इसकी प्राइमरी की होगा राइट right. ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन नंबर तो ये इसकी प्राइमरी की होगा और ये हेल्प करेगा इन दोनों टेबल को आपस में लिंक करने में डेट्स वाई विल कॉल इट फॉरन की अब देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है ज्वाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है अगर आपने पहले कभी ज्वाइंस नहीं भी पढ़ा है अभी आप आंसर सुनोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कैसे करना है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले ऑल नेम्स फ्रॉम अकाउंट वेयर द ए नेम कंटेन्स द लेटर एच तो आपको अकाउंट टेबल में से नेम्स बताने हैं जहां पर ए नेम में एच लेटर है ठीक है सो ए नेम ये है सिंगल टेबल है यहां पे यहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सो यू हैव टू फेच ए नेम सो फेच के लिए कौन सी कमांड होती है लेक्ट है ना सो so, हम क्या लिखेंगे सिलेक्ट ए नेम फ्रॉम अकाउंट है ना वेयर वेयर ए नेम लाइक नाम में कहीं पे भी होना चाहिए कहीं पे भी ठीक है ये नहीं बोला है कि शुरू होना चाहिए या खत्म होना चाहिए बोला है कहीं पे भी होना चाहिए सो so, आप लिखोगे सिलेक्ट कॉलम का नाम लिखेंगे ए नेम फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे दैट इज अकाउंट सो पहले आएगा सिलेक्ट फील्ड का नाम फ्रॉम टेबल का नाम ठीक है सो सिलेक्ट ए नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर वेर वॉट वेयर वॉट वेयर ए नेम लाइक ए नेम लाइक परसेंटेज एच परसेंटेज ठीक है सो so, अगर एच से शुरू हो रहा होता तो हम लिखते क्या एच परसेंटेज अगर एच पे खत्म हो रहा होता तो लिखते परसेंटेज एच लेकिन बोला है कि ए बीच में कहीं पर भी हो सकता है अगर कहीं पे भी हो सकता है सो इट शुड बी परसेंटेज एच परसेंटेज कि आगे कितने भी लेटर्स हो पीछे कितने भी लेटर्स हो परसेंटेज का मतलब होता है जीरो और मोर तो हो सकता है कोई भी लेटर ना हो सो दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट वन ठीक है इजी समझ आ गया सबको नेक्स्ट टू डिस्प्ले द ए नंबर एंड अमाउंट ऑफ ऑल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन फ्रॉम टेबल ट्रांसैक्ट अब इसमें भी क्वेरी है लेकिन सिर्फ ट्रांजेक्ट टेबल से है आपको ए नंबर और अमाउंट दिखाना है ऑफ ऑल एंड मतलब चाहे विद्रॉ हो, हो सबके लिए दिखाना है ठीक है और क्या कहा है मंथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन अब देखो इस क्वेरी को करने के दो तरीके हो सकते हैं आपको डेट के ऊपर कंडीशन लगानी है ठीक है अब डेट पे कंडीशन हम कैसे लगाएंगे तो पहला पार्ट तो लिख ही लेते हैं आधे नंबर तो ले लो कम से कम है ना अब एक नंबर की क्वेरी है तो अपना आधा नंबर तो पक्का कर लेते हैं हम क्या लिखते हैं सिलेक्ट ए नंबर कॉमा अमाउंट फ्रॉम अकाउंट सो ये हाफ मार्क तो आपका हो गया अब बचा वेयर जहाँ पे आपको लगानी है कंडीशन अब कंडीशन में क्या कह रहा है वो कि अक्टूबर 2017 की डेट होनी चाहिए सो so, मेरे पास दो ऑप्शन हैं मैं चेक कर सकती हूँ कि फर्स्ट जैन सॉरी फर्स्ट अक्टूबर टू से लेके अक्टूबर में हमारे पास कितने दिन होते हैं थर्टी वन है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर सो थर्टी वन डेज होते हैं सो फर्स्ट अक्टूबर से लेकर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के बीच में अगर डेट है सो इट्स परफेक्टली फाइन सो आपके कॉलम का नाम हम देख लेते हैं क्या है कॉलम का नाम है डी ओ टी सो वन कंडीशन कैन बी वेयर डी ओ टी बिटवीन डी ओ टी बिटवीन डेट्स हमेशा कोर्ट्स में आती है तो टू थाउजेंड द ईयर टेन इज द मंथ जीरो वन इज द डे एंड टू थाउजेंड द ईयर टेन इज द मंथ थर्टी वन इज द डे राइट सो मैंने क्या चेक कर लिया कि फर्स्ट अक्टूबर से लेकर अगर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के बीच में डेट है दैट मीन अक्टूबर टू थाउजेंड सेवनटीन में उसकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है समझ आया इजी एक और कंडीशन यहां बन सकती थी वो क्या बन सकती थी और यहां और लगा के नहीं लिखना ठीक है या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे दोनों में से एक लिख के आना है पेपर में सो so, क्या कर सकते हैं वेयर मंथ ऑफ डी ओ टी मंथ ऑफ डी ओ टी इज इक्वल टू टेन एंड ईयर ऑफ डी ओ टी इज इक्वल टू टू थाउजेंड सेवेंटीन ये डेट फंक्शन है हम इनको यूज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं सो so, या तो आप वेयर के साथ इस कंडीशन को लिख दो या फिर ये वाली कंडीशन लिख दो। दोनों में से कोई एक करनी है दोनों के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आप कोई सी भी कंडीशन लगाओ ठीक है

थ्री है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिलेक्ट मैक्स डी ओ टी फ्रॉम ट्रांजेक्ट फ्रॉम ट्रांजेक्ट वेयर अकाउंट नंबर ए नंबर इज इक्वल टू 103. जीरो थ्री सो जहां पर अकाउंट नंबर 103 है उसमें सबसे लास्ट डेट ढूंढ के बता देगा तो जैसे ये दो थे वन जीरो थ्री वन जीरो थ्री के अगर इसका आउटपुट पूछा जाता तो होता टू थाउजेंड सेवनटीन टेन ट्वेंटी टू दैट इज ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन क्योंकि वो बड़ी डेट है ठीक है अब अगला है टू डिस्प्ले ए नंबर नेम एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ दोज पर्सन फ्रॉम टेबल अकाउंट एंड ट्रांजेक्ट हैव ट्रांजेक्शन अमाउंट लेस देन और इक्वल टू थ्री थाउजेंड सो ट्रांजेक्शन अमाउंट लेस देन इक्वल टू थ्री थाउजेंड है ठीक है पर अब आपको दोनों टेबल्स में से डेटा चाहिए ए नंबर चाहिए ए नेम आपका इस टेबल में है डी ओ टी आपका इस टेबल में है तो जब आपको दोनों टेबल्स में से डेटा चाहिए होता है तब लगता है ज्वाइन क्या लगता है तब क्या लगता है ज्वाइन ठीक है अब ज्वाइन ध्यान से देखो कैसे लगता है आप पहले लिखोगे सिलेक्ट सिलेक्ट के साथ उन कॉलम्स के नाम लिखोगे जो आपको देखने हैं सो आपको ए नंबर देखना है ए नेम देखना है डी देखना है कहां से देखना है दो टेबल्स में से पहले टेबल का नाम है अकाउंट दूसरे टेबल का नाम है ट्रांजेक्ट ठीक है जी सो so, पहले क्या लिखा कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं सिलेक्ट ए नंबर ए नेम से देखने हैं अकाउंट कॉमा से अब आएगा वेयर वेयर में उन्होंने बोला है कि जो डेट ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो तीन हजार से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए वो तो बाद की बात है पहली कंडीशन जो बनेगी कि दोनों टेबल आपस में जुड़ेंगे कैसे आप लिंक कैसे कर रहे हो दोनों टेबल्स को तो लिंक कैसे कर रहे हैं कि अकाउंट का जो ए नंबर है वो ट्रांजेक्ट के ए नंबर के सेम है है ना ऐसे ही देख रहे हो ना आप अगर आप नीरजा के ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो तो नीरजा का अकाउंट नंबर है वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड वन यहाँ पे दो बार है सो इसकी दो ट्रांजेक्शन है एक ट्वेंटी फाइव हंड्रेड विड्रॉ और एक वन हंड्रेड वन डिपॉजिट है ना सो आप अकाउंट नंबर को मैच करा रहे हो वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है लेकिन बताना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं वेयर अकाउंट डॉट ए नंबर इज इक्वल टू अकाउंट डॉट सॉरी अकाउंट तो हो गया अब आएगा ट्रांजेक्ट सो ट्रांजेक्ट डॉट अकाउंट नंबर सो अकाउंट का अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ट्रांजेक्ट का अकाउंट नंबर एंड एंड जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी अमाउंट लेस देन इक्वल टू थ्री थाउजेंड राइट समझ आया उ वी मेक द ज्वाइन सो ऑलवेज रिमेंबर की जब भी दो टेबल में से डेटा हो आपको एक्सप्लिस नहीं लिख के दिया होगा कि आपको ज्वाइन की कंडीशन लगानी है लेकिन आपको ज्वाइन की कंडीशन लगानी है यू हैव टू गिव इट इट इज़ अ मस्ट वेन यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम टू टेबल्स क्लियर ठीक है इसमें हम अलायसिस भी यूज कर सकते थे मैंने यूज़ नहीं किए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलायंस यूज करना ही है उसके बिना भी सेम आंसर आता है उसके साथ भी सेम आंसर आता है बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते थे अकाउंट स्पेस ए ट्रांजेक्ट स्पेस टी और ये पूरा लिखने की जगह हम लिख सकते थे ए डॉट ए नंबर इज इक्वल टू टी डॉट ए नंबर सो थोड़ा छोटा हो जाता बट अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है नाउ डिस्प्ले ए नंबर टाइप एंड नेट अमाउंट सो टाइप यहाँ पे है ए नंबर यहाँ पे है अच्छा नेट अमाउंट यहीं से निकल आएगा फ्रॉम ट्रांजेक्ट वे नेट अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट प्लस अमाउंट इन टू फाइव अपॉन हंड्रेड सो आपको नेट अमाउंट जो है वो एक फॉर्मूला दिया होता है देखो जब ऐसे फॉर्मूलाज दिए होते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं नॉट अपडेटिंग हम सिर्फ दिखा रहे हैं उस चीज को कैलकुलेट करके आप उस चीज को दिखा रहे हो तो वो सिलेक्ट के साथ आएगी आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे सिलेक्ट क्या दिखाना है अकाउंट नंबर ठीक है अकाउंट नंबर के बाद क्या बोला है उसने दिखाने के लिए हमें टाइप और फिर नेट अमाउंट सो आपको दिखाना है टाइप एंड नेट अमाउंट अब नेट अमाउंट तो कोई कॉलम ही नहीं है नेट अमाउंट कोई कॉलम नहीं है लेकिन अमाउंट तो कॉलम है सो so उसमें क्या कैलकुलेशन हो रही है जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो आप सिलेक्ट के साथ लिखोगे सो अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू फाइव अपॉन हंड्रेड सो अमाउंट प्लस अमाउंट इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड उसकी हेडिंग आनी चाहिए नेट अमाउंट तो मैं लिखूंगी एज नेट अमाउंट फ्रॉम ट्रांजेक्ट सो जब भी ऐसे सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाना हो चेंज नहीं करना है टेबल में सिर्फ दिखाना है तो वो सिलेक्ट में ही आ जाता है और उस कॉलम की हेडिंग में आप नहीं चाहते हो कि ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप एज क्लिक के अलायस दे सकते हो दैट विल कम एज दी कॉलम हेडिंग सो अलायस का मतलब क्या होता है अनादर नेम सो जस्ट अ नेम फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ठीक है समझ आया सबको आई होप ये आंसर्स आप सबको अच्छे से क्लियर होंगे एक बार खुद लिख के देखना फिर से मैच करना एंड डो लेट मी नो कि आपको समझ आया या नहीं आया राइट इन द कमेंट्स मिलो एंड या फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऑल्सो मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है चैनल को सब्सक्राइब करें और अन अकेडमी पर जाके मुझे फॉलो करें बिकॉज आई डो टेक फ्री लाइव क्लासेज ओविदर उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है जस्ट यू हैव टू राइट माई नेम टू ओपन द फ्री क्लास दैट इज़ एंचली लूथरा ओनली विदाउट एनी स्पेस एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस माई रिकॉर्डेड लेसन एज वेल एज वेल एज जो अब लाइव क्लासेज होंगी जो कि मैं चार से पाँच रोज़ लेती हूँ By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.